नमस्कार। सो मध्य प्रदेश ने भी अपना ऑफलाइन सॉरी मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन दे दिया है। और देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट होते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के हिसाब से ना पंजाब इज ए प्योर क्लोज स्टेट, और बिकॉज ऑफ लो फी कुछ बचता नहीं है। यूपी की फीस कम है, कुछ बचता नहीं है। उत्तराखंड में 3 कॉलेज हैं बट फीस बहुत ज्यादा है। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये वो कुछ कॉलेज हैं जहां पर आपका काम 70-72 लाख के पैकेज में हो सकता है। और हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों में ही काफी एनआरआई की सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जो कि कन्वर्ट होती हैं जब उन्हें उतने एनआरआई नहीं मिलते, जो सरकार का रूल है। आप एनआरआई की सीट एक जनरल कैटेगरी वाले को नहीं बेच सकते, इस रूल को याद रखिए। कोई कॉलेज अगर आपसे ये कह रहा है कि मैं एनआरआई की सीट, आप एनआरआई नहीं हो पर मैं आपको एनआरआई की सीट दे रहा हूं, अगर आप मुझे एनआरआई की फीस दे दो, ये रूल में नहीं है। यू हैव टू बी जेन्युइन एनआरआई, राइट? ऑफकोर्स चाहे आप नकली पेपर बनवा के करो, उस बहस में मैं भी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एनआरआई बिल्कुल नहीं हो, आपको मैं बिना मेरिट के बैकडोर से सीधा सीट दे दूं और आपसे एनआरआई की फीस भी ले लूं। तो अगर सरकार कहती है एनआरआई नहीं मिलते, तो फिर नॉर्मल सीट बन जाएगी और मेरिट पे दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सारे कॉलेजेस में ये एनआरआई सीट होती है, और जो इतना फेमस अरविंदो इंदौर है उसमें भी चीज लागू होगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है। जस्ट टू टेल यू, जिन्होंने अभी तक मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन नहीं करा था वो कर सकते हैं। 20 तारीख को स्टार्ट हो चुका है, और कल 22 तारीख दोपहर को रात के 12 बजे तक आपके पास रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। और मैंने कहा इंदौर का कॉलेज आ चुका है, उसमें नॉर्मल सीटें भी हैं। मध्य प्रदेश या उसके बाहर वाले सब बच्चों के लिए चीज एलिजिबल है। फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी 24 से 27 तारीख तक। रिजल्ट इसका भी आ जाएगा 30 तारीख को। तो 30 तारीख को काफी लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे, पंजाब का हो जो मॉपअप चल रहा है, या हिमाचल वगैरह जितने भी स्टेट्स हैं। और रिपोर्टिंग फिर आपको भी 4 अप्रैल तक करनी है, जैसा कि हमने कहा तब तक एमसीसी तो खत्म हो ही जाएगा। इसके बाद उन्होंने वैसे मध्य प्रदेश स्टेट वैकेंसी का भी दे दिया है कि वो 10 अप्रैल तक कैसे खत्म होगा, 4 से स्टार्ट करके। पर जैसा मैंने कहा कि अभी तक उन्होंने क्लियर ये नहीं लिखा है कि एनआरआई सीट को कन्वर्ट करेंगे मैनेजमेंट में राउंड 3 में या उसके बाद। बट हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने कहा कि ये नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है, बट जो इस साल इंडिया में ट्रेंड चल रहा है कि थर्ड राउंड में ही कन्वर्ट हो रही है एनआरआई सीट्स इनटू जनरल। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ना भी हो तो आपको वैसे भी मिल सकती है। तो आप प्लीज फॉर्म भर लीजिए, मध्य प्रदेश का भी ओपन है। मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जाइए, पहले अपने आपको रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद आप बाकी काम कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से बहुत सारे कॉलेजेस मध्य प्रदेश में बन सके। मैं अगर अब पुरानी नोटिफिकेशन खोलूं तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा सीट मैट्रिक्स है, 11-12 प्राइवेट कॉलेज हैं और हर में एनआरआई सीट होती है। तो काफी आपको जो एनआरआई सीट का जो चंक मिलेगा वो भी मेरे ख्याल से 100-150 के आसपास होना चाहिए, 150-200 के बीच में होना चाहिए। तो काफी सीटें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहना चाहते हैं। मध्य प्रदेश भी प्योर नॉर्थ इंडियन स्टेट है, तो मेडिकल कॉलेज भी सारे ही इंदौर या भोपाल अच्छे शहरों में है, मध्य प्रदेश के अच्छी लोकेशंस में है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, भरिए आप मध्य प्रदेश का फॉर्म भरिए, और मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे जाके पुराने सारे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। काफी अच्छे रिजनेबल फीस है, एनआरआई की ज्यादा होती है, पर मैं रिपीट करता हूँ वो उनके लिए होती है जो जेन्युइन एनआरआई होते हैं। जब एनआरआई की सीट नॉर्मल बन जाती है तो उनको नॉर्मल फीस में देनी होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो, मध्य प्रदेश भी भर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और फिर भी अभी भी हमारी प्रीमियम काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो 9643362320 पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।